हेलो दोस्तों, आर्किटेक्चर में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक बैटरी इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा, जो कि जिसके जरिए आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी बैटरी में कितना परसेंट चार्ज है। मान लीजिए आपके पास एक बैटरी है 6 वोल्ट का या फिर 12 वोल्ट का, लेकिन उसमें कितना परसेंट चार्ज है उसको आपको पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो आज मैं जो आपको जो सर्किट आपको मैं दिखाऊंगा उसमें आप कम से कम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितना परसेंट चार्ज है और ये बैटरी कितना देर तक चलेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको एक लाइक जरूर कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। यही है वो बैटरी इंडिकेटर इसको मैंने बनाया है सर्किट बोर्ड से। ठीक है, अब देखिए इसका कमाल। जैसे ही मैंने ये मेरा वोल्टेज रेगुलेटर है, ठीक है, इसको भी मैंने बनाया है। इसमें वोल्टेज आप जितना देंगे 24 वोल्ट तक काम करता है, 0 से 24 वोल्ट तक ये काम करता है। ठीक है, इसको मैं बढ़ा रहा हूँ, देखिए इसको बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज बढ़ रहा है और मेरा LED ग्लो कर रहा है। ठीक है, ये फुल हो गया। अब मैं इसको कमाऊंगा, वोल्टेज को कमाऊंगा, तो ये देखिए यहाँ पे LED बंद हो रहा है। ठीक है, इसको मैं एक मल्टीमीटर से भी चेक करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए इसका वोल्टेज जैसे जैसे मैं कमाता हूँ, यहाँ पे देखिए 1.5 आ गया। अब मैं इसको बढ़ाऊँगा, देखिए 2.9, 3.8, 4.6.7, 8, 9, 10, 15 वोल्टेज ये आ गया, 18 वोल्टेज, 19, 20 वोल्टेज, 22, 24, 25, बस यही है फुल वोल्टेज। ठीक है, जैसे जैसे मैं इसको कम करता हूँ वो LED एक एक करके बंद होता जाएगा। ये देखिए LED बंद हुआ, ये हो गया, ये लास्ट में आके एक एक में खड़ा हुआ है, अभी ये भी बंद हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसको मैंने कैसे बनाया है, इसको उसको मैं दिखाता हूँ। इस तरह का मैंने एक सर्किट डायग्राम बनाया है। ठीक है, यहाँ आपको ये दो तार है कनेक्टर, यहाँ पे आपको बैटरी का कनेक्टर देना पड़ेगा, बैटरी वोल्टेज देना पड़ेगा 6 वोल्ट से 24 वोल्ट तक। ठीक है, और ये रहा मेरा 5 LED जिसमें मैंने सीरीज कनेक्शन करके रखा है। जैसे कि ये हो गया इसका प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, कनेक्शन LED का कैसा किया है, इसका माइनस को इसका प्लस से, और इसका माइनस को इसका प्लस से, इसका माइनस को इसका प्लस से, इसका भी माइनस को इसका प्लस से। ठीक है, बाकी रह गया ये आपका प्लस का प्लस बाकी रह गया। यहाँ पे आपको प्लस पॉजिटिव लाइन देना है और नेगेटिव में मैंने नेगेटिव जो है लेग में हर एक का नेगेटिव लेग में मैंने 1K का रेजिस्टेंस जोड़ा है। यहाँ पे एक 1K का रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी एक 1K का रेजिस्टेंस, इसमें भी ऐसा करके जोड़ दिया है। ठीक है, और लास्ट में इसके साथ डायरेक्ट किया है ये पांचों रेजिस्टेंस को मैंने एक साथ कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, बहुत ही ईजी है दोस्तों, ये घर पर भी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने नेगेटिव लाइन दे दिया और ये LED ग्लो करने लगा। ठीक है दोस्तों, और एक बार मैं बता रहा हूँ, इसको मैंने सीरीज कनेक्शन करके रखा है। इसका जो नेगेटिव लाइन है इसको मैंने इसका दूसरा वाला LED का पॉजिटिव से जोड़ा है, और ये तीसरा वाला का प्लस का जो लेग है इसको मैंने ये दूसरा वाला लेग LED का नेगेटिव पे जोड़ा है। सेम ये दोनों का भी सेम वैसा ही है। ठीक है, और हर एक LED का नेगेटिव का जो लेग है उसमें एक एक करके रेजिस्टेंस 1K का रेजिस्टेंस जोड़ दिया है। ठीक है, और उसको एक ही लाइन पे जोड़ा है जो कि यहाँ पे माइनस देना है, माइनस, और यहाँ पे प्लस। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक बार मैं दिखाता हूँ कैसे चलता है। ये हो गया मेरा बैटरी इंडिकेटर, इसको मैं वोल्टेज को कम करूँगा। ये देखिए एक बढ़ गया, ये घट गया, ये बढ़ गया और ये घट गया। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।